किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के संक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। रबी बुआई का रकबा बढ़ा, आधुनिक दुग्ध प्लांट से किसानों को रोजगार के अवसर, किसानों को मिलेंगी ग्लैडियोलस की नई प्रजातियां, पशुपालन विभाग द्वारा मवेशियों की सेहत को लेकर नई कवायद शुरू और उपजाऊ बनेगी किसानों की बंजर भूमि। अब कृषि समाचार विस्तार से। गेहूं की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। चालू सीजन में गेहूं की बुआई का रकबा लगभग 309 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस साल तापमान में गिरावट की वजह से गेहूं की फसल को अच्छा लाभ मिल सकता है। दूध और दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही पराग अब रोजगार के अवसर भी किसानों को उपलब्ध कराएगा। पराग ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन करने वाले किसानों का न केवल पूरा दूध खरीदेगा बल्कि उन्हें वाजिब दाम भी देगा। 5 एकड़ में बनने वाले इस दुग्ध प्लांट में आधुनिक स्वचालित मशीनों से दूध की पैकिंग की जाएगी। राजधानी व आसपास के इलाकों के लगभग 60,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दुग्ध संघ से जुड़ने से खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को अतिरिक्त आमदनी करने का अवसर दिया जाएगा। राजधानी के आसपास के गांवों के किसान आवारा मवेशियों व नील गायों के आतंक से खासे परेशान हैं। ये आवारा मवेशी किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। किसानों को रात रात भर जागकर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। इसके बावजूद नील गायों के झुंड खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जिससे होने वाले नुकसान से किसान काफी परेशान हैं। इसके अलावा शहरों से भी आवारा मवेशियों को पकड़कर गांवों की सीमाओं के समीप छोड़ा जा रहा है, जिनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान कटीला तार खेत के चारों ओर लगाने को मजबूर हैं। बावजूद इसके वे अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। व्यावसायिक खेती के रूप में ग्लैडियोलस की खेती के प्रचार प्रसार का श्रेय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने ही इसे व्यावसायिक खेती के रूप में काश्तकारों के बीच लोकप्रिय बनाया। हालांकि अब काश्तकारों को इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसे देखते हुए NVRI संस्थान द्वारा विकसित नई किस्मों के प्रचार की योजना बना रहा है। वर्षों से एक ही प्रजाति को बार बार बोने से इसकी गुणवत्ता में कमी आती है, साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होता है और फूल की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा किसान स्वयं भी पुराने कंद को दोबारा बोकर नई खेप तैयार करते हैं, जिससे 50-80% कंद विकसित ही नहीं होते। इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए NVRI अब ग्लैडियोलस की नई किस्में देने की योजना बना रहा है। मवेशियों की सुरक्षा को लेकर पशुपालन विभाग ने राजकीय पशु चिकित्सालयों को हाईटेक बनाने का निर्णय लिया है। मवेशियों के ऑपरेशन के लिए AC ऑपरेशन थिएटर, उन्हें भर्ती करने के लिए AC वार्ड, कंप्यूटर द्वारा बीमारियों की जांचें सहित अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं जल्द ही राजधानी के राजकीय पशु चिकित्सालय में मिलेंगी। राजधानी के बादशाह बाग स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय को प्रदेश का मॉडर्न पॉली क्लिनिक बनाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह प्रदेश का पहला चिकित्सालय होगा, जहां पशुओं की चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। साथ ही सभी मंडल मुख्यालयों में राजकीय पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। इसके पहले चरण में आगरा, बरेली, कानपुर और बांदा आदि में अस्पताल खोले जाएंगे। प्रदेश में IIT कानपुर के छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर अब खेती किसानी में रुचि लेने लगे हैं। IIT कानपुर से BTEC की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र अब किसानों को जैविक खेती व शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हैं। छात्र टीमें बनाकर स्वयं खेती कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। छात्रों ने कड़ी मेहनत कर मक्का, धान, गेहूं, जौ आदि की बिना खाद खेती कर फसल तैयार कर आसपास के किसानों को दिखाकर उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार वे लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं तथा किसानों को इस खेती से संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने में भी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। प्रदेश में भूमि सुधार निगम की ओर से किसानों की बेकार पड़ी लगभग 11,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को सुधारा जाएगा। निगम मीडिया प्रबंधक ने बताया कि प्रदेश के फतेहपुर व कानपुर जिलों में 5,000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि सुधार हेतु पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब राजधानी इकाई की ओर से बाराबंकी, इटावा, फिरोजाबाद, कौशाम्बी आदि जिलों में किसानों की बीहड़ व बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। इसके एवज में किसानों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बीहड़ जमीन वाले किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए उनके घर की महिलाओं को लघु उद्योगों के संचालन का प्रशिक्षण देने के साथ ही बकरी पालन से भी जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI वैज्ञानिकों ने देर से खिलने वाली गुलदाउदी की दो नई किस्में आशाकिरण तथा CSIR 75 को जारी किया है। पहली किस्म आशाकिरण की पंखुड़ियां नलिकाकार होने के कारण यह देखने में काफी आकर्षक लगती है, वहीं दूसरी किस्म को CSIR के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में CSIR 75 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संस्थान का प्रयास है कि विकसित किस्मों तथा प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं का भाव आगरा की मंडी में 1830 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1910 रुपए, फैजाबाद में 1885 रुपए और सहारनपुर में 1970 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव आगरा में 8600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 9750 रुपए, फैजाबाद में 8400 रुपए और सहारनपुर में 7800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल का भाव आगरा की मंडी में 2540 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2240 रुपए, फैजाबाद में 2220 रुपए और सहारनपुर में 2340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का भाव आगरा की मंडी में 3950 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 4040 रुपए, फैजाबाद में 4070 रुपए और सहारनपुर में 3900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़ का भाव आगरा की मंडी में 2930 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3280 रुपए, फैजाबाद में 3600 रुपए और सहारनपुर में 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू का भाव आगरा की मंडी में 420 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 380 रुपए, फैजाबाद में 550 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 390 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अदरक के भाव आगरा की मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2580 रुपए, फैजाबाद में 2000 रुपए और सहारनपुर में भी 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन का भाव आगरा की मंडी में 7280 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 7060 रुपए, फैजाबाद में 10000 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 7625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव आगरा की मंडी में 880 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 980 रुपए, फैजाबाद में 1050 रुपए और सहारनपुर में 820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव आगरा की मंडी में 440 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 540 रुपए, फैजाबाद में 800 रुपए और सहारनपुर की मंडी में 510 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में सेब के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सेब का भाव 5880 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 6500 रुपए, फैजाबाद में 6300 रुपए और सहारनपुर में 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केले का भाव आगरा की मंडी में 1760 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1700 रुपए, फैजाबाद में 1600 रुपए प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कृषि के साथ साथ कुछ ऐसे भी उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है मुर्गी पालन। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में हमें मुर्गियों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं विशेषज्ञ पशुपालन डॉक्टर AU किदवई। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियां भी बहुत पड़ रही हैं, ऐसे में हमें अपनी मुर्गियों की देखभाल करने में किस तरह के बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है? देखिए, जाड़े में इन चूज़ों को पालने के लिए किसी तरीके से भी इसमें ठंडक का असर बच्चों पर ना होने पाए, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे घर को किस तरीके से बनाया जाए, उसमें क्या इंतजाम किया जाए ताकि अंदर ठंडी ना आने पाए। दूसरी बात, बच्चों को पालते वक्त उनको गर्मी में मिलती रहे जितनी उनको चाहिए,
ये दो चीजें हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कैसे रखा जाए बच्चों को, उनका आवास कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हमारे जो मुर्गी पालक बहन भाई हैं इनको ध्यान में रखना है? इसमें देखिए, पहली चीज तो ये है कि छत के ऊपर पुआल बिछा दें, मोटा छप्पर डाल दें ताकि छत से ठंडक नीचे ना आए। दूसरी बात यह है कि पूरब और पश्चिम की दीवारों को पूरी तरीके से बंद करके रखें, क्योंकि हवाओं जो है पूरब से पश्चिम चलती हैं या पश्चिम से पूरब, वो अंदर सीधी ना आ सकें। तीसरी बात यह है, उत्तर और दक्षिण की जो घर है उसकी जाली, उसके ऊपर पर्दे लगा दें ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आए, और पर्दों को ऊपर से 8 से 10 इंच खुला रखें ताकि वेंटिलेशन होता रहे। अच्छा, मतलब ऊपर से पर्दों को थोड़ा सा खुला रखना है। जी अच्छा, डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा छप्पर है थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो क्या मौसम के अनुसार आवास भी इनके हमें परिवर्तित करने पड़ते हैं? जी हाँ, आवास के अंदर कुछ इंतजाम हैं जिनको बदलना पड़ता है मौसम के हिसाब से। जैसे जाड़े में जो आप कर रहे हैं, गर्मियों में आपको इससे बचाने के इंतजाम करने पड़ेंगे, तो ये चीजें इनमें काफी चेंजेस लाए जाएंगे। जी अच्छा, जैसे सर्दियों का मौसम है, चूजों को सर्दियों से बचाना है, तो हमें जो गर्मी लाने के लिए किस तरह के उपाय उनके आवास में करने हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जाड़ों में इस मौसम जब चूजे पालते हैं, तो उनको अगर आप 2000 चूजे मंगा रहे हैं, तो इनको 500-500 के ग्रुप में गोलाकार एक गार्ड लगा दिए 18 इंच का, चाहे कार्डबोर्ड का चाहे GI शीट का, 500-500 चूजे जो है चार गोलों के अंदर रखें, और इन हर गोले के अंदर गर्मी देने का इंतजाम करें। तो किस तरह के इंतजाम हो सकते हैं? अब इसके अंदर इंतजाम ये होता है कि गोलाई जो है 2 मीटर का एक गोला बनता है, इसके बीचों बीच में एक गोल छतरी के आकार का जो है वो टीन का जो है बनाया जाता है, उसे कहते हैं हावर या ब्रूडर। उसके अंदर बिजली के बल्ब लटकाए जाते हैं, और इस हावर को जो है छत से लटकाया जाता है डोरी से, जिससे इसको ऊपर नीचा करके गर्मी बढ़ाई और घटाई जा सकती है उस गोले के अंदर। ऐसी चारों गोलों के अंदर एक एक जो है ब्रूडर या हावर लटकाया जाएगा, और इसके अंदर नीचे दाने और पानी के बर्तन रखे जाएंगे, इस तरीके से कि बर्तन जो है वो इस हावर के बीचों बीच में ना रखे जाएं। अच्छा। चारों तरफ रखे जाएं, ठीक नीचे ना हो, ठीक नीचे ना हो, गर्मी का स्रोत है उसके ठीक नीचे कोई इस तरह का बर्तन ना। और इसमें क्या है कि गर्मी जो है उस पूरे गोले के अंदर पड़ती रहे, इस तरीके से उसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी गर्मी दी जानी है, जो आपने चिक गार्ड बताया, एक चिक गार्ड में कितनी गर्मी दी जानी है, ये कैसे हम निर्णय लें? हाँ देखिए, ऐसा है कि एक तो ये है कि थर्मामीटर का सिस्टम होता है, जिसे हम आपको बता दें कि पहले हफ्ते में 95 से लेकर 90 डिग्री फारेनहाइट हो, फिर हफ्ते आप 5-5 डिग्री कम करते जाइए, तो ये थर्मामीटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, इतना ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो अपने ब्रूडर को, हावर को किसी हाइट पे लटका दें। उसके बाद जब बच्चे उसके अंदर 500 डाल दिए, अगर इन बच्चों को ज्यादा गर्मी लग रही होगी तो ये उस ब्रूडर से दूर दूर जाके किनारे तक पहुंच जाएंगे, तो आपको साफ दिखाई देंगे बच्चे की दीवार से चिपके हुए। और अगर गर्मी कम हो रही होगी तो ये बच्चे जो है ब्रूडर के नीचे आ जाएंगे, हावर के नीचे आ जाएंगे, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को तापमान कम मिल रहा है। इसको सही करने के लिए अगर ज्यादा तापमान हो रहा है, तो या तो आप नंबर आप बल्ब जो है वो कम कर दीजिए, या उनकी वाटेज कम कर दीजिए। तो क्या होगा, जब कम कर देंगे या इसको आप ऊपर उठा लिए थोड़ा, जब गर्मी अंदर कम होने लगेगी तो बच्चे जो है वो पूरे में धीरे धीरे आके फैल के दौड़ना भागना शुरू कर देंगे। और इसका उल्टा करना पड़ेगा, जहां ठंड लग रही है उसमें हो सकता है कि वोल्टेज कम हो, तो आप नंबर आप बल्ब बढ़ा दीजिए, और अगर वो ऊंचाई पर लगा दिया तो और उसको नीचा कर दीजिए, ताकि नीचे गर्मी मिले। स्थिति सामान्य ये होना चाहिए, देख के आंख उसको जो पाल रहा है दिखाई दे जाएगा कि सारे बच्चे पूरे में छितरे हुए हों, फैले हुए हों, मतलब एक जगह इकट्ठे भी ना। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम एक आदर्श कुक्कुट ग्रह की बात करें, तो किस तरह का होना चाहिए? एक आदर्श कुक्कुट ग्रह जो है, पहली चीज तो ये, वो ग्रह हो जिसके अंदर उसकी हिफाजत हो, जंगली जानवरों से हिफाजत हो, बिल्ली से हिफाजत हो, न्योले से हिफाजत हो, मौसम में जो चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंड के दिनों में उस पूरे घर के अंदर गर्मी का इंतजाम हो, गर्मी के दिनों में उसके अंदर ठंडक का इंतजाम हो, ये एक घर का सही तरीका है। और फर्श पक्का हो, अगर हम जमीन पे मुर्गी पाल रहे हैं तो जमीन के ऊपर धान की भूसी जो है 2-3 इंच बिछा कर तब उसके ऊपर बच्चों को मुर्गी को पालना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप मुर्गी पालन करें या कोई और अन्य पालन हो, लेकिन प्रबंधन बहुत सही होना चाहिए।
तो मुर्गी पालन अगर हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो इस समय सर्दियों के समय में प्रबंधन किस तरह का होगा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने सुनील जी। ये जाड़ों के अंदर जो प्रबंधन होता है, इसके अंदर जिस दिन से बच्चे लाते हैं, पहले दिन जिस दिन बच्चे आने हैं, उससे पहले हमको ये तैयारियां सारी कर लेनी चाहिए कि घर के अंदर इतना तापमान हो जितना मुर्गी को चाहिए। अच्छा, बाहर ठंडक मतलब होगी को हम पहले दिवस में जब हम हाँ उसके गृह में लाएं लाएं उससे एक दिन पहले आपके घर के अंदर उतनी गर्मी मौजूद हो ताकि जब बच्चे आएंगे वो उनका बॉडी का तापमान ज्यादा होता है जी। वो घर के अंदर आएंगे तो उनको अंदर आके ठंडक ना लगे, उसके लिए आपको 12 दिन पहले अपने सारे इंतजाम जो आपने गर्मी के किए हैं उनको ऑन करके रखना होगा। जैसे आपने ब्रूडर लगाए हैं उनके बल्ब ऑन कर दिए, जला दिए ताकि वो इतना एरिया गर्म हो जाए जी। पानी के बर्तन उसी के अंदर रख दीजिए, बाल्टी भर के भी अलग रख दीजिए ताकि पानी का भी तापमान उस घर के अंदर गर्म रहे, बिल्कुल ठंडा पानी ना पी ले। तीसरी चीज ये, पूरे घर को गर्म करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसमें बुखारी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी लगा के चला दें रात से ही, सुबह बच्चे आने वाले हैं ताकि घर का तापमान बच्चों को नहीं तो डॉक्टर साहब अगर हम बुखारी लगाते हैं तो क्या ब्रूडर की आवश्यकता नहीं होती क्या? ब्रूडर जो है वो गर्मी देता है उस एरिया में जहां पर आपने घेर दिया है। अच्छा, लेकिन घर का एरिया बड़ा होता है जी, उस घर के अंदर भी आपको जो है टेम्परेचर बढ़ाना होगा जी, तभी वो मेंटेन हो पाएगा। तो घर के अंदर भी है कि 1000 बच्चों के ऊपर एक बुखारी रखी जाती है, बरादे की बुखारी होती है, वो ऐसी होती है तो बीचों बीच में घर के रखा जाता है और उसमें पाइप लगे होते हैं GI के जो कि घर से बाहर निकलते हैं उत्तर या दक्षिण में जी जी। और गर्मी उसके अंदर कोई धुआं नहीं निकलता है और जितनी भी गर्मी होती है उस घर के अंदर फैलती है जी। तो घर का एक तापमान होता है और ब्रूडर का तापमान जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है जब आप लटका देते। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने आवास की बात करी कि किस तरह से इनका रख रखाव किया जाए, अगर हम खान पान की बात करें तो सर्दियों में जैसे हम लोग अपना खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसे ही जो हम हमारे मुर्गी पालक बहन भाई हैं तो अपने चूजों के भी खान पान पर ध्यान बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके खान पान पर किस तरह का ध्यान? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अब आजकल जो मुर्गी पालन हो रहा है उसका दाना बना बनाया मिलता है। आजकल की कमर्शियल फार्मिंग के अंदर दाना खरीदना ही जो है वो लाभकारी है और दाना जो है अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। जैसे अगर आप ब्रायलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पहले 15 दिन के लिए राशन कहना होगा दुकानदार से, उसका एक नाम है प्री स्टार्टर फीड। अच्छा, उसका ग्रेन साइज भी छोटा है जी, और वो उन चूजों के लिए बेहतर है जो शुरू में 10-15 दिन तक है, उनको उस दाने को ही मिल देना चाहिए। मतलब जब भी हम दाना लेने जाए तो हम बता दें कितने दिन के हैं, पहले प्री स्टार्टर हो गया, आप 15 दिन के बाद फिर आपको अगले जब तक उनका वजन जो है 1 किलो हो जाता है उस वक्त तक स्टार्टर फीड देते हैं। ये इस तरीके से वैज्ञानिक तौर पर सब कुछ बनाई गई है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट इस उम्र में कितनी है, उस उम्र में कितनी है, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद से जब 1 किलो का हो जाता है आगे आपको रखना है, तो तीसरे किस्म का राशन होता है जिसे फिनिशर राशन कहते हैं। तो ये 3 राशन आपको इस्तेमाल करने होंगे और व्यवस्था के अंदर ये राशन बच्चे खा सकें आपको सबसे पहले उनको फीडिंग स्पेस देना होगा, खाने का स्थान यानी जो आप दाने के बर्तन रखेंगे वो इंच और सेंटीमीटर में नाप को अगर अच्छा, न ध्यान में रखें तरीका होता इसका है। भी होता है कि एक बच्चे को कितने इंच की जगह मिलनी चाहिए खाने की, यानी आपका स्पेस इतना होना चाहिए। एक साधारण आदमी ये देखे कि जितने बच्चे भी हैं आपने दाना लगाया सब बच्चे खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बच्चों में सब दाना खा रहे हैं और आधे बच्चे टहल रहे हैं बाहर जी, तो सबको तो बराबर राशन नहीं मिलेगा, तो कोई छोटे रह जाएंगे कोई बड़े हो जाएंगे, जो बड़े हो जाएंगे वो और बड़े हो जाएंगे दोबारा भी वही उसी में तो खाएंगे। सभी का पोषण जो है वो समान होना चाहिए। हाँ, सबको जो जैसे दस्तरखान पे होता है कि 100 लोगों का है 100 लोग बैठे एक साथ खा रहे हैं जी। इसी तरीके से मुर्गियों के दाने के बर्तन का इंतजाम करना चाहिए और ये बर्तन जो है नाप के हिसाब से ही मिलते हैं। आप मतलब सब कुछ साइंटिफिक है, आप कहीं हमें 1000 बच्चे पालने हैं तो 1000 के हिसाब से बर्तन आपको दे देगा जी। वो बच्चे उस पर खड़े होकर 15 दिन खा लेंगे और बड़े हो जाएंगे फिर आपको बर्तन और बढ़ाने पड़ेंगे जी। इसी तरीके से पानी का इंतजाम करना होता है जी। तो जाड़ों में भी ये करना होता है, गर्मी भी यही करना होता है। देखना ये है कि जाड़ों में बच्चे देखिए ज्यादा दाना खाएंगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए आपको फीड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि उनका फीड खत्म ना हो और दिन में फीड को 2-3 बार करके दें, थोड़ा दिया फिर जब वो खा लें सब, फिर कुछ देर भूखे रहें फिर दीजिए, फिर खा लें फिर दीजिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि एक बार आपने दे दिया, हाँ, आपने 2-3 का राशन एक साथ भर दिया बर्तनों के अंदर तो खाएंगे गिराएंगे, राशन कीमती भी होता है गिरना भी नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि सर्दियों के कितने भी इंतजाम कर लें फिर भी
सर्दियां लग ही जाती हैं, किसी तरह की समस्या आई जाती है, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, तो हमारे जो चूजों में किस तरह की बीमारियां सर्दियों के मौसम में हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ठंडक के मौसम में जो बीमारियां आम तौर पे हो जाती हैं उसमें सबसे पहली बीमारी तो ठंड लगना अपने आप में है, जिसे चिलिंग या निमोनिया कहते हैं। अब ठंड खाए हुआ अगर फलाक कायदे से ठंड खा गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बच्चों को बचाया नहीं जा सकता। और जो इंतजाम कोशिश किए जा सकते हैं वो यही हैं कि हम उनको गर्मी वहाँ पर दें, घर के अंदर गर्मी पैदा करें, उनको छोटे छोटे ग्रुप में जिनको ठंड लग गई है बांट लें, निकाल के अलग कर दें, और उनको कुछ ताकत की दवाइयाँ, विटामिन से मिनरल्स आते हैं वो भी दिए जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हमें पता लगेगा कि ठंड लग गई है हमारी? ठंड खाने वाले बच्चों की पहचान ये होती है कि वो एक दूसरे से चिपक के बैठे रहेंगे, आप हटाइएगा फिर वो चिपक के बैठ जाएंगे, ना दाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, सुस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है और बीमार होते चले जाएंगे। जब खाए पिएंगे नहीं तो कमजोरी उनकी अपने आप हो जाएगी और वो मरने लगेंगे। एक आम आदमी यही देख के अंदाजा लगा सकता है कि ठंड लगी है। इसके अलावा दूसरी बीमारी है जो CRD कहते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है डॉक्टर? इसके अंदर फर्क ये होता है, जैसे ये चूजे चुपचाप बैठ गए उनमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। उस CRD कुछ अच्छा, एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, कुछ बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा अपने मिलके उसके ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तब हो जाती है जब अगर आपने ऊपर से वेंटिलेशन सही नहीं किया। अगर वेंटिलेशन गंदी हमारे बाहर नहीं निकली है तो इन बच्चों को सांस की प्रॉब्लम पैदा होगी, ये मरेंगे नहीं, उस तरीके से जाके चिपक के नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या, कैसे हम पहचानेंगे? हाँ, पहचानेंगे आप ऐसे कि ये एक सांस से आवाज निकालेंगे घरघराहट की। अच्छा। खरखराहट की। अगर आप रात में जाएंगे घर के अंदर तो आपको लगेगा जैसे सबको नज़ला जुकाम हो गया है, खरखर सांस में जब लेते हैं ना तो एक खास तरीके की आवाज होती है जैसे कहते हैं रैटलिंग साउंड, उससे आप पहचान लेते हैं घर के अंदर जो है ये बीमारी शुरू हो गई। इस बीमारी का इलाज 70-80% तो है, दवाइयों से भी है और अच्छे फार्मर जो है इंजेक्शंस भी आते हैं वो भी लगाते हैं तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं 70-80% तक। 100% क्योरेबल नहीं है ये, क्योंकि इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अच्छा, तो लंग्स सब तरीके साफ नहीं हो पाते। और तीसरी एक दवा ये एक बीमारी और है इसकी, उसमें एसाइटिस हो जाती है। एसाइटिस का मतलब है कि उसके पेट के अंदर पानी भर जाता है, पानी ऐसे भर जाता है कि उसका लीवर और उसकी किडनी सही फंक्शन नहीं करना बंद कर देते हैं, तो धीरे 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 पानी तो पेट के अंदर भरने लगता है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं डॉक्टर? लक्षण ऐसे दिखा कि आपको जैसे आपने अगर पेंगुइन पे गौर किया हो कि वो पीछे के हिस्से के ऊपर ऐसा लगता है चल रही है। हाँ, तो इनके अंदर जब पेट के अंदर पानी भर जाता है, एब्डोमिन में नीचे आ जाता है, तो ये बच्चे भी नीचे से फूल जाते हैं। अच्छा, और साफ नजर आता है, इसके हिस्सा है वो भारी हो जाता है अगर आप छुएंगे लगेगा पानी भरा है अंदर जी। तो ये बीमारी जो है इसमें लीवर और किडनी डैमेज हो जाती है, तो ये भी बच्चे जो है बचाए जाना बड़ा मुश्किल होता है इनको। जिनमें शुरुआत हो रही है तो उनकी दवाइयां हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिनकी हो जाने के बाद डायग्नोसिस की गई कि अरे भाई इसमें ये बीमारी हो गई है, तो उतने बच्चों को अलग करके उनका इलाज किया जाता है, कुछ उसमें से ठीक भी हो जाते हैं। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आपको किसी न किसी चिकित्सक के टच में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप 1,000 बच्चे भी अगर पाल रहे हैं तो आप तकरीबन 40,000 रुपये तो सिर्फ चूजे खरीदेंगे, 40 रुपये का, 38 रुपये का आजकल एक चूजा मिल रहा है इस मौसम में, बिल्कुल। फिर वो 30 रुपये किलो का दाना खिलाएंगे उसको, तो आपका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बेहतर ये है कि आप किसी न किसी डॉक्टर के टच में रहें और वो आपको ऐसे हालात पैदा ही ना होने देगा, बताएगा कि भाई पहले आप यहाँ पे घर में ये कमी है, इसको सही कर लो, इसको सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, तो इन चीज़ों से आप उनके बच्चे जो है इफेक्टेड नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे मुर्गी पालक बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्दियों के समय में मुर्गियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।